सिल्क सिटी भागलपुर सिर्फ तशर और मालदा आम के लिए ही मशहूर नहीं है, यहाँ का एक और जायका है यहाँ का भुंजा, जो कि पूरे देश भर में मशहूर है। अगर आप भागलपुर में हैं तो यहाँ मुढ़ी, घुगनी, पकौड़ी और कचरी वाला नाश्ता एक बार जरूर खाइए। विश्वास मानिए, यह जायका आपको लजीज और चटपटा अनुभव दिलाएगा। ततारपुर में ऐसा ही एक भुंजा दुकान है, रामबली का भुंजा दुकान। यहाँ सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक जायके के शौकीन लोगों की बहुतायत भीड़ लगी रहती है। बस यही कहना है कि नाश्ता बढ़िया बनाते हैं, नाफा कम करते हैं, ज़्यादा मेल करते हैं और कच्ची जो है ओरिजिनल चीज़ खिलाते हैं। ऐसे बहुत ढंग से सबकी स्पेशल चलाते हैं और बढ़िया ढंग से बनाते हैं। चनाचूर है, बादाम है, मटर है, मूंग है, पापड़ है, पापड़ है, इसमें लेकर बनाते हैं, गौर तलब है कि आंध्र प्रदेश में भुंजा के कई दुकान हैं, पर ततारपुर स्थित इस भुंजा दुकान में लोगों की भीड़ यहाँ के जायके को परिभाषित करती है। वहीं स्वाद के शौकीन लोगों का कहना है कि इस दुकान का भुंजा, पकौड़ी और मसाला सलाद की कुछ अलग ही बात है और ऐसा जायका उन्हें किसी भी भुंजा दुकान में नहीं मिलता। यहाँ तो हम एक साल से बना रहे हैं, बहुत अच्छा है, खुश है, जो अपनी बहुत सारी विविधताओं को लेकर मशहूर है, चाहे कसर की बात हो या फिर मालदा आम का उत्पादन हो, सभी चीज़ों में मशहूर होने के बावजूद यहाँ का भुंजा पूरी भी बहुत मशहूर है। इसी सिलसिले में हम रामबली जी के दुकान पे आए हुए हैं जो कि ततारपुर में है और यहाँ पे आकर हमने उनके लिए स्वाद का जायका है उसके बारे में जाना और उनके स्वाद का जायका सबसे खास बात है। लोगों का रुझान ही यहाँ सब कुछ कह रहता है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों की जो इतनी भीड़ रहती है वो सब कुछ बयां करता है कि यहाँ इनके जायके में कुछ खास बात है। सनमार के लिए राजीव के साथ भागलपुर से अभिषेक। आप देखते रहिए सनमार और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।